और आज तो अति हो गई साहब। जब ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे भाई अभिषेक पटेल और यहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तब कलेक्टर ने क्या कहा, आप यहां सभा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत होने के बाद उन्होंने कहा, सभा तो आप कर सकते हैं लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना का उल्लेख नहीं कर सकते। आप किसानों की बात नहीं कर सकते। बताइए साहब, मैं किसान के घर में पैदा हूं, गांव का रहने वाला हूं, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, तो किसकी बात करूंगा? मुझे कहा गया है कि आप किसानों की बात नहीं कर सकते, आप लखीमपुर घटना के बारे में बात नहीं कर सकते। आप जिन्होंने किसानों के सीने पे गाड़ियां चला दी और कि जान ले ली, उस टेनी के औलाद के बारे में बात नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र है क्या है? अब एक तरफ कहते हैं हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया। अरे योगी जी, सबसे बड़ा गुंडा आपने कलेक्टर को बना के रखा है यहां, जो ये फरमान जारी करता कि मुख्यमंत्री आके यहां बात नहीं कर सकता। इस देश में लोकतंत्र है कि क्या है? मजाक बना रखा है। क्या तानाशाही चल रही है? क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या आपने इमरजेंसी लगा रखी है? क्या अभी इस मंच में किसानों की बात नहीं कर सकते? वो जो शहीद किसानों से परिवार वालों से नहीं मिल सकते, हमने कर दी साहब। अब आपने जो ताकत है कर लीजिए। भूपेश बघेल यहां खड़ा हुआ है, मैं किसान हूं, किसान की बात कहूंगा, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकता। इस प्रकार से लिखित ले रहे हैं आप। लिखित लेना था मुझसे लेते, मेरे कार्यकर्ता से लिखित ले रहे हैं।